हुआ ये कि मैंने सबसे पहले एक जगह जॉब की थी, वो साइट में एक छोटी सी फैक्ट्री थी, वहां मैं अकाउंटेंट था और पब्लिक रिलेशन के जॉब मेरे पास था। मैं खास साथ मैंने उन्हें ज्वाइन किया 77 में। अच्छा, वो चार पांच भाई थे, पांच छह भाई अभी तक मेरे उनसे ताल्लुकात हैं। अच्छा, बाहर के लोग भी मुझे उनका मतलब एक भाई समझते थे, वो बड़ा मेरा बहुत ख्याल रखते थे। अच्छा, उस जमाने में ये था कि मेरी लोअर लेवल पे तो हमेशा से ताल्लुकात रहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ना। अच्छा, काम आपको पता है अली हसन साहब के नीचे के लोग ही करते हैं, डायरेक्टर साहब के पास हैं तो वो कानून लाएंगे, ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, जो सुपरिटेंडेंट लेवल के लोग होते हैं वही सब काम कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद वो मेरे बैंक में भी ताल्लुकात थे, बल्कि एक दफा ऐसा हुआ कि हमारा एक डायरेक्टर बड़े परेशान हुआ आए मेरे पास, कहना हुसैन साहब मैंने किसी को बुला लिया और चेक हमने जमा कराया था वो बाउंस हो गया और हमारे पास ओडीए 20,000 की लिमिट है और वो भी 20,000 भी हम ले चुके हैं और इनको मैंने बुला लिया है, वो चेक जो हमने जमा कराया था वो बाउंस हो गया है, अब आई हैव कॉल्ड दैट पार्टी इन, अब क्या किया जाए। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मैं जाता हूँ बैंक। तो वहाँ एक खुर्शीद अनवर साहब थे, अकाउंटेंट थे बैंक में, मैं गया उनके पास तो मैंने कहा भाई ऐसा प्रॉब्लम है। हाँ, कहने यार आज आप थोड़ी डिस्टर्ब लगे। मैंने मैं डिस्टर्ब नहीं हूँ, आपको डिस्टर्ब करने आया हूँ। कहने बताओ क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा ये प्रॉब्लम है, वो जो डायरेक्टर हैं वो बुरा मुझे लव करते हैं और ये मसला हो गया है, बुरा उनकी इज्जत का मामला हो गया। कहने लगे आप फिक्र ना करें, बैंक को बंद होने हैं उसके बाद मैं आपको और 20,000 रुपये दे दूंगा। मैंने कहा वो तो लिमिट तो ले चुके हैं, जो ओडी की लिमिट थी उनके पास। कहने डोंट वरी अबाउट दैट ना। मैंने कहा भैया आपको ऑडिट वॉडिट, कहना छोड़ो यार ऑडिट वॉडिट को। मैं बैठ गया, कहना आप गिव हिम ए रिंग कि यू आर जस्ट कमिंग इन हाफ एन आवर टेक विद दैट अमाउंट ऑफ 20,000। मैंने उनको फोन कर दिया, वो बड़े हैरान हुए, ही डिडंट बिलीव मी। कहना खुद कैसे मुमकिन है ये। मैंने कहा जब मैं आऊंगा तो ये चीज मुमकिन हो चुकी होगी, आप फिक्र ना करें, आप उनको बिठाएं चाय वाय पिलाएं उन लोगों को। और मैंने फिर भी मैंने खुर्शीद अनवर साहब से कहा उसके बावजूद, मतलब मैं किसी को टैक्स क्यों नहीं कर सकता कि मैं अपने बिहाफ पे अपना फायदा उठा लूं, आई कैंट पुट अदर्स इन ट्रबल ना। मैंने फिर उनसे कहा, मैंने कहा यार खुर्शीद ये ना हो खुर्शीद अनवर साहब कि आप प्रॉब्लम में आ जाए, मैं बड़ा शर्मिंदा हूं। कहना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई ब्रदर, कोई मसला नहीं होगा। आप ले भाई आधे घंटे बाद जब बैंक बंद हो गया तो जब वो डीलिंग जो होती है ना जो बंद हो गई, ही पेड में 20,000 रुपीज। आई टुक दैट मनी एंड केम टू माई ऑफिस ना। तो जब उनको पता चल गया मैं आया तो ही केम टू माई रूम। तो मैंने कहा कैन हैव यू ब्रॉट द मनी, कैन हाउ डिड। मैंने कहा इसमें यह मौका नहीं है कि मैं हाउ डिड आई ब्रिंग दैट मनी। आप कुछ अल्लाह ताला ने शर्मिंदगी से बचा दिया और इट इज ऑल ड्यू टू द खुर्शीद अनवर साहब, द फेवर ही हीप्ड ऑन माई हेड ना। खैर भाई उस दिन इतने खुश हुए, मतलब मैंने उनके बड़े ऐसे काम किए जो उनके नामुमकिन थे उनके लिए। कहना आप क्या करते, मुझे मजाक सूझा। मैंने कहा मैं वही काम करता हूँ जो पुलिस करती है। उछल पड़े सीट से, कहना वो क्या काम है। मैंने कहा जर्नलिस्ट भी रोकुंडा टैक्स लेता है। बहुत जोर से कह गया लगाया। पिछले एक साल में काफी बीमार रहा तो वो इसमें ये है ना कौन सा अस्पताल है, ये आगा खान के साथ जो है लियाकत, तो वो कर रही थी। क्या होता है वो अल्ट्रासाउंड होता है। मुझे कहना अब आप सीधे हो जाएं। अरे मैंने कहा बीबी इस उम्र में अब क्या सीधे होंगे। वो इतनी संजीदा खातून थी, वो ही मुस्कुरा पड़ी। हमारे दोस्त है रजीउद्दीन खान, रजी एक जमाने में इस जंग का साइंस से सफर का रजी एडिटर था, बहुत जहीन है। तो रजी मुझसे कहना, रजी ने फिर वो छोड़ के ना साइंस डाइजेस्ट निकाल लिया। तो रजी मेरी बहुत दोस्ती। अब रजी कहना यार मेरे पास आ जाओ। मैंने कहा यार मैं मुलाजमत किसी नहीं कर सकता। कहना मुलाजमत कौन कह रहे, आप यहाँ बैठे हम आपसे फायदा उठाए। खैर वो जब मैं गया थोड़े दिन हुए थे तो डीजे कॉलेज का वो उसा ने मेरी पीआर बहुत थी तो डीजे कॉलेज पे उसने 100 साल हुए थे रजी ने एक इशू निकाला डीजे में निकाल। तो मुझसे कहने लगा यार आप यहाँ बैठेगा। मैंने कहा अच्छा मैं बैठूंगा थोड़े। मैंने कहा थोड़ा सा मैं ये जर्नलिज्म के दो चार गोल गोल भी थोड़ी सी रजी सीख लूंगा। मैं एक दो साल रजी के पास बैठा। जब मैं एक दो साल वहां रह रहे तो मेरे हमारे एक दोस्त थे उनके उनकी डेथ हो गई। बट ही वॉज वेरी लर्नेड मैन, लेकिन सबसे बड़ी खराबी थी कि लापरवाह बहुत थे। ही वॉज इंडक्टेड ग्रेड 17 ऑफिसर इन वाइल्ड लाइफ। उससे पहले वो सिविल एविएशन में थे और उनके फादर जो थे वो फॉरन सर्विस में थे।
चचा भी बड़ी चीज से वो ही वाज़ अ बिग गन. इतनी किताब वो साहब पढ़ते थे मोहतरम, मुझे चेहरा घूम रहा है और नाम में सो मेरे जहन से महव हो रहा है कि मेरी दोस्ती हो गई उनसे किसी जरिए. जब उनको पता चला मैं, तो मैंने कहा यार उससे दोस्ती हो गई, कहना यार वाई शुड नॉट वी ब्रिंग आउट एन मैगजीन ऑन वाइल्ड लाइफ. मैंने कहा भाई वाइल्ड लाइफ का तो मुझे डब्ल्यू भी नहीं पता कि व्हाट डज इट स्टैंड फॉर डब्ल्यू. तो कहना मैं जो हूं, अच्छा वो लिख इतना मतलब वेरेशियस जिस तरह लीडर होता है इस तरह के वो बहुत पढ़ते थे किताबें. चेहरा घूम रहा है तो नाम पसंद मेरे डेथ हो गई उनकी. मैंने कहा अच्छा अच्छा. वो अकेले रहते थे यहाँ नॉर्थ कराची में एक फ्लैट में. तीन पांच छह दफा मैं गया, जब भी जाऊं ताला पड़ा हुआ, उन्होंने भी फोन वोन होता ही नहीं ना, मोबाइल ही हो. मैं बड़ा वो हुआ, मैंने कहा यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, ये मिलते नहीं है. और मैंने लोगों से कह भी दिया. अच्छा जब मैंने ये कहा, इतफाक से थी मैं एक होटल में बैठा हुआ था, वहां एक साहब आ गए, उनसे थोड़ी सी मेरी शनाख्त आई थी. बशीर साहब ही वॉज एन आर्टिस्ट, वो एक ये पता था आर्टिस्ट है और किसी एडवर्टाइजिंग कंपनी. मुझसे पूछने लगे क्या कर रहे हैं आप. मैंने कहा यार अभी कुछ नहीं कर रहा, बट आई एम इंटेंडिंग टू ब्रिंग ऑन अ मैगजीन ऑन वाइल्ड लाइफ. और वो मवाद वाद नहीं कह रहा, वो मवाद मैं आपको दे दूंगा. पता ये चला कि वो हबीबुर रहमान साहब थे, लेफ्टिनेंट जनरल हबीबुर रहमान, ये इनके अयूब साहब के, ये गौहर अयूब के ससुर, इनको बड़ा वाइल्ड लाइफ का शौक था. वो ये साल में एक किताब निकाला करते थे. वो कहना कि वो दो किताबें निकली, वो हमारी एजेंसी ने उसको हमारी एजेंसी के जरिए निकली है. वो आप मेरे पास आइए, वो घर के करीब ही रहते हैं मॉडल कॉलेज में. किसी ने आप आ जाए ना, वो मैं एक किताब दे दूंगा आपको, तो आपको काफी मवाद मिल जाएगा. आई वॉज टू डिलाइटेड. मैं एक दिन बशीर साहब के पास चला गया, वो उन्होंने मुझे वो काफी जगीम वो थी बुकलेट वो दे दी मुझे. मैंने एक दो मजमून किसी लिखवाया और एक दो मजमून मैंने किसी लिखवाया, एक दो उसमें से मैंने लिए, एक अखबार से मैंने लिया, एक हल्का फुल्का मैंने लिखा कुछ थोड़ा बहुत. अभी उनको पता नहीं, हमारे दोस्त को जिनके साथ ये हो रहा था कि मैगजीन निकालेंगे. अच्छा उन्होंने हमारे एक अजीज ने अहमद हुसैन, अजीज तो दूर के लेकिन वो मुझे अजीजों की तरह चाहते हैं. अहमद हुसैन ही बस बिल्डिंग कंट्रोलर, मैं गया उनके पास. मैंने कहा भाई वो रिसाला निकालना, वो पैसे तो है नहीं. तो ये अल्लन साहब नहीं है, अल्लन अलिफ वो रिजवी, क्या नाम है उनका, कमाल अहमद रिजवी. तो कमाल अहमद रिजवी का एक वो कोई नाटक क्लब भी था, मतलब ये स्टेज ड्रामे वगैरह करते हैं ना. अच्छा इनके सब लोगों से ताल्लुकात होते हैं ना, इज ए बिग गन रहीन आदमी, मैं बड़ा उनका फैन भी हूँ. फिर एक अतीक बेग थे, अतीक बेग भी कंट्रोलर डायरेक्टर हो गया कैरियर. अतीक बेग ने एक ऐड आ दी थी, तो आई गॉट 15,000 रुपी. अब मैं तो बादशाह हो गया 15,000. मैंने जनाब रजी से कहा कि यार रजी से कहा यार ये अच्छा उन्होंने अलिफ ये मैं सीख गया था थोड़ा सा, मुझे बेसिक आ गई थी, लेकिन ये नहीं पता था कि एक के पीछे दूसरा सफा कैसे आता है. खैर वो पेशी वेसी कराई, तस्वीरें मैंने जमा की और बशीर संस पहुंचे. उनका बड़ा एहसान है मेरे ऊपर. वो बंद हो गया प्रेयर, वो लखपति करोड़पति हो गया, बंद कर दिया. मैं रजी साहब के साथ गया, रजी ने कहा कलर पेज जो है ना उनका छपवाने. मैं पहुंचा, उनके भाई थे तारिक, शाहिद मियाँ भी वही काम करते थे, शाहिद मियाँ सुपरवाइजर थे प्रेस के. अच्छा ये रहने वाले चकवाल के बड़े डिफिकल्ट आदमी, सब भाई तीन चार, लेकिन तारिक ही फेल इन लव विद मी पहली मुलाकात में. खैर वो उन्होंने छाप आप दिया, वो रिसाला निकालाया. मैं एक दिन लेके गया ये शमसुल हसन साहब, नहीं जो अभी बरतानिया में वो हाई कमिश्नर पाकिस्तान के, क्या नाम है इनका, इनके भाई इसमें नेशनल बैंक के वो सीनियर एसवीपी थे, पता नहीं क्या थे वो, इसके पब्लिकेशन इसके इंचार्ज है, एड वगैरह वही रिलीज करते थे. अच्छा इनकी तो फैमिली बहुत बड़ी है ना, उनके पास एक हुजूम में आज का जमा रहता था अखबार वालों का, रिसाले वाले का. मैं भी डरते थे. अच्छा दरवाजा खुला होता है, ये नहीं दरबान से पूछ रहे हैं, किसी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है. जैसे गालिब ने कहा कि गदा समझ के वो चुप था, मेरी जो शामत आई उठा उठ के करना मेरे पास माँ के लिए, उसने कहा भाग ही रहते. तो खैर वहां उनके दरवाजे खुले रहते, मैं भी पहुंच गया और मैं पीछे खड़ा हो गया. मैंने कहा यार इतने लोग बैठे, बड़ी शर्म भी आई. तो थोड़ी देर बाद वो जब उन्होंने देखा मुझे इतनी देर खड़ा, मुझे पूछा ऐसे चश्मे, कहने जी फरमाइए. तो मैंने ऐसा लिफाफा हमेशा मेरे पास रहता है, ये A4 का 2 रुपए का मिलता है, महंगा हो गया, उस दौरान 1 रुपए का मिलता. मैंने जैसे ऐसे निकाला उसको, इस्तेमाल से उन्होंने कहीं देख लिया था.
अरे आपने निकाला कि कितनी उम्दा चीज निकाली आपने। अच्छा बोलते बोल रहे आपको सब मिली तब देखने लगे और मुझे इतनी शर्म आई इस घर ने, मैंने चुपके से साइड में जाके उनको दे दिया। अब काफी लोग बैठे थे उनके पास, यार खूब काम करते हैं आप। फिर भाई वो मैंने कहा अच्छा मैं मुझे इतनी शर्म आई, मैंने कहा मैं फिर आऊंगा आपके पास। मैं उन्हें छोड़ के ये भी मैंने नहीं कहा मुझे ऐड चाहिए, मैं आ गया वहां पे। अच्छा 8-9 महीने बाद अली हसन दूसरा रिसाला निकालने का वो हुआ जहन में आया। खैर वो मैंने तैयारी कर ली। अब मैंने कहा यार पैसे तो है नहीं, मैं पहुंचा बशीर सन बड़ी हिम्मत करके, तारीख मिल गए। अरे आप इतने दिनों बाद आए, मैंने कहा यार पैसे थे नहीं रिसाला वो कलब है। भाई पैसे किसने मांगे हैं आपसे? कहला आप जैसे शायद राह चलते ही मुझसे कहता तो मैं मना नहीं करता, मुझे इतनी खुशी फौरन आप ले आए और जो भी कोई मसला हो हम हल कर देंगे। मैंने कहा नहीं वो कलर पे शायद यार वो इनका खुशी साहब का वो कर देना। खैर भाई वो फिर वो रिसाला निकल आया तो 88 में जब बेनजीर वो थी ना। अच्छा किसी ने कहा कि जब सुविधा निकालते हैं तो वो तस्वीर होने चाहिए, तो गुलाम इजाक की तस्वीर भी उसमें और बेनजीर को रखा हुआ मेरे पास। मैं गया प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, उन्होंने वो तस्वीर दी। अब नौवारी थे ना रजी ने कहा यार ये डालना जरूरी है, आप निकालना है सुविधा। दूसरा भी निकाला ये 91 में निकाला। अब जब उन्होंने जो मुझसे बात की थी ना वो नेशनल बैंक में जो ये शमसुल हसन साहब के भाई, उससे मैं मेरी स्पीड बड़ी हाई हो गई, उन्होंने इतनी तारीफ की जिसके हद नहीं, तो दैट वर्क्ड लाइक ए टॉनिक। खैर फिर क्या हुआ, मैंने कहा यार अब तो रेगुलर करना चाहिए। फिर 92 में मैंने अप्लाई किया उसके लिए डेक्लेरेशन के लिए इसे रेगुलर कर। अच्छा वो मजे का किस्सा सुना दूं आपको। उस दौरान डीसी होते थे वो डिक्लेरेशन वो घर के पते में मिलता था, हम मलीर में रहते थे तो डीसी ईस्ट हुक्म ये था कि डीसी साहब यहाँ बैठे हैं साथ में गार्ड खड़ा है लाइन लगा दें आप, एक आदमी जाए और दूसरा आ जाए। मेरी जो शामत आई जब मैं बढ़ा तो वो साहब जो उनसे फारिग हो गए उनको कोई काम आ रहे फिर ही रिवर्टेड बैक, इतने में मैं दाखिल हो चुका था। वो सिपाही साहब जो बंदूक लिए खड़े थे जैसे बादशाहों के जमाने में खड़े होते ना मुगल, उसमें क्या है कहाँ आता है इस तरह से बदतमीज का, मेरा तो दिमाग घूम गया। आई हैड बीन वेरी रिबेलियस हमेशा से हूँ, मैंने बदतमीजी बदला नहीं। मैंने कहा क्या कहता है, इतनी जोर से कहा कि वो डीसी साहब जो सर नहीं उठा रहे तो सर उठाएगा वो देगा। अच्छा सर मेरे जानवर भी बहुत थी तो वो तो बंदूक तभी हिल के रह गए अपने कॉन्स्टेबल साहब। खैर उनसे कहने जी फरमाइए, वो बोले मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा आई एम ए फ्रीलांस जर्नलिस्ट, आई जस्ट कम टू अप्लाई फॉर द डिक्लेरेशन। तो उन्होंने वो मैं दे चुका हूँ एक महीने पहले, उन्होंने वो जो घंटी होती है ना जो सरकारी वो बजाई, कहना है ये इनकी फाइल लेके आई है क्या है खुशी साहब वाइल्ड लाइफ वो लेके आ गया। फौरन उन्होंने उसको साइन की, वो क्योंकि डीसी जो होता है वो भी होता है वो क्या कहलाते हैं उसको मजिस्ट्रेट भी होता है वो, तो उन्होंने साइन करके वो कागज मेरे हवाले किया। अच्छा मैंने उनको रिसाला दिखाया, मैंने कहा मैं इसमें रिसाला रखा है इसमें बेनजीर साहब की वजह से, तो कहना हाँ बाबा आप रख दीजिए। अच्छा उसने बाल बहुत बड़े बड़े होते थे तो इतना बड़ा कंघा मेरे पास होता था, तो वो कंघा भी उसमें रह गया। अच्छा वो काफी गंजे से मुझे बाल में खिलाया, कहीं डिक्लेरेशन ही मंसूब ना हो जाए, उन्होंने कहा ये मेरी तोहिन के लिए रखे। इस तरह से मैंने वो शुरू कर दिया। अब शुरू तो मैंने कर दिया, मैंने कहा यार ये अब एडवर्ट कैसे मिले। तो एक साहब रहते थे वो सेंट्रल एक्साइज में थे, उन्होंने एक वो एक साहब ने बड़ा जबरदस्त एक वो पीले रंग का एक बोतल आती थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बहुत चलता था वो आम जैसा उसका वो होता था सन सिल्क था पता नहीं क्या था यार इसमें आई कांट रिकलेक्ट एट द मोमेंट 92 की बात है। उन्होंने वो कलर रेड दिला दिया और मुझे याद है बशीर मिर्जा साहब जो बीएम के नाम से मशहूर थे उनकी एजेंसी थी ढाई रोड पे बड़ी छुपी हुई, वहां से वो मुझे बोल रही। खैर वो पहली दफा मैं किसी एजेंसी में दाखिल हुआ, वहां से मैंने वो एडवर्ट लिया। अब थोड़ी दिन गुजरे थे, मैंने दिन में सोचा पहला इश्यू तो मैंने निकाल लिया है, मैंने क्वार्टरली भी लिख दिया, आइंदा कैसे निकलेगा खुशी जल्दी इसे आप ये मैंने सारा निकाला है। तो एक दिन क्या हुआ, ये एक होटल हुआ करता था क्या नाम है जहां ये मार्केट बन गई ना कपड़ों की बहुत बड़ी,
लैनअप के पीछे बहुत बड़ी मार्केट बन गई ना, वहां कोने में होटल होता था बहुत बड़ा जो आवारी को रोड जा रहा है, वहां हम लोग बैठ के चाय वाय पीते थे। अच्छा वो मैगजीन मेरे पास था, वो कई महीने गुजर गए बीच में मुलाकात ही नहीं हुई। खैर उन दिन मुलाकात हुई तो रिसाला मेरे पास था, मैंने चुपके से रख दिया। वो अपने सिगरेट पी के दुनिया और माफिया से बेखबर, अनवर खान नाम था, अल्लाह जन्नत नसीब है। थोड़ी देर बाद अनवर की नजर पड़ी उसके ऊपर, ये देखा है क्या चीज है इधर यार, ये हमने बताया नहीं। मैंने कहा बताया नहीं, वहां घर जाओ तो ताला लगा होता था, पांच छह दफा गया तुम्हें पता है, आई लिव इन मलिर, कितना मुश्किल होता था नॉर्थ कैजी से मलिर जाना, मेरे पास सवारी भी नहीं है। खैर वो अनवर खुश बहुत हुआ लेकिन इस बात में नाराज हुए, मुझे बताया नहीं। मैंने कहा बताया कैसे, इतनी दफा आपके पास गया हूं मैं, आप मिलते ही नहीं थे। खैर उसके एक साल गुजर गया, किसी तरीके से मैंने निकाल लिया एक डेढ़ साल। बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई, हमने पूछा घर भी बदला, क्या बदला, मैंने क्या बदला, वो खातून ने ये एवर्ड में काम करती थी कहीं दूसरा घर ले लिया। तो एक दिन मेरे पास फोन आया WWF से कि भाई वो, हाँ मैंने एक दिन क्या किया किसी से पता लेके, ये था ना ब्रिटिश पेट्रोलियम, तो नाम चेंज हो गए बिक गई, ब्रिटिश पेट्रोलियम के वो चीफ एग्जीक्यूटिव के नाम एक लिख के ना खत और इशारा रख के भिजवा दिया, यहाँ बहरिया कम्प्लेक्स में उनका ऑफिस था। वो पता चला उनका हेड ऑफिस कहीं ट्रांसफर हो गया है, वो इस्लामाबाद में बैठते हैं, इन्होंने वो इस्लामाबाद उनके पास भिजवा दिया। वो डेविड नॉक्स साहब थे वो। अब हमने घर बदला, न फोन न कुछ, अब वो मेरा पता ढूंढते फिर रहे हैं। तो WWF में एक साहब थे, उनको मेरे घर का पता मालूम था, तो उन्होंने जब बड़ी ढूंढवाई हुई तो पता चला, उन्होंने पता नहीं कहाँ प्रेस इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट कहाँ कहाँ उन्होंने ढूंढ लिया। वो उनकी वाइफ जो थी ना क्लैरी नॉक्स, वो बड़ी नेचुरलिस्ट थी, वो बड़ा एक्स टाइप की चीजें पसंद करती थी। खैर वो फिर मैंने पब्लिक कॉल ऑफिस से उनको फोन, वुड यू बिलीव कि वो इलाके में पब्लिक कॉल ऑफिस, वहां से मैंने फोन किया और उनके जनरल मैनेजर जिनके नाम से खत आया था, अरे कहना कहाँ है वो, हम तो आपको एडमिट देना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू हेल्प यू आउट। मैंने कहा कि हमने घर बदला है, मेरी कोई तबीयत भी ठीक नहीं है और मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो कहना है अच्छा ऐसा है कि परसों आप कहाँ होंगे, 10 बजे 10:30 बजे। मैंने कहा मैं यहीं बैठा हूँ इसी नंबर पर। कहना फिर 10 बजे आपको कॉल करूंगा, 10:30 बजे आप यहीं मौजूद रहिए। वो पब्लिक कॉल ऑफिस लड़का था ना, शायद उससे मेरी दोस्ती, वो आ रहे, कहना भाई फिक्र नहीं, मैं 9:45 बजे वहां पहुंच गया, उससे चाय वाय मंगाई, 10:15 बजे उनका फोन आ गया जो जनरल मैनेजर थे, उन्होंने कहा आप अपना एड्रेस वगैरह लिखवाएं। जनाब वहां से इश्तहार मिलना शुरू हो गया 25,000 रुपए का, और फिर वो आज तक ना डेविड नॉक्स ने ना क्लैरी नॉक्स ने मुझे देखा, ना टेलीफोन पे बात हुई। फिर खत आने शुरू हुए, क्लैरी ने खत मुझे लिखा, फिर मजमून भी उसने भेजा मुझे क्लैरी नॉक्स ने। और जब ये इनका चक्कर हुआ ना ये 9/11 का, दे लेफ्ट पाकिस्तान, आप हैरान हो गया लेसन कि क्लैरी ने मुझे 2 दफा, वो कैनेडा दे, वो थे ब्रिटिश, वो कनाडा चले गए, वहां उन्होंने कोई अच्छा, ये लोग तो बेकार नहीं बैठते ना, वो क्लैरी ने कोई टीचिंग जॉब वहां अपने, इनके पास पैसों की कमी नहीं ऐसी मतलब गुजारने के लिए कर ली। ट्वाइस शी सेंड मी $500 और मैं जब पहली दफा मैंने उनको लिखा, मैंने कहा आप वहां क्यों, आप इतना मेरे ऊपर, कहना नहीं इट इज सिंपली एंड लव फॉर दैट गुड वर्क दैट यू डू इन दैट कंट्री। और फिर उसने एक दिन ईमेल आया मेरे पास किसी जरिए, मेरे पास था नहीं ईमेल, उसने कहा डेविड ने उनको फोन भी किया न्यू इनकम्बेंट को ब्रिटिश पेट्रोलियम में, क्यों खुशी साहब का जो रिसाला उसको आप ऐड देंगे। फिर उसने कहा कि वो फोन भी किया और ईमेल भी किया है। अच्छा वो एक पाकिस्तानी है शायद मुकामी सिंध के, वो अमरीका में सेटल थे, तो एक ही दफा मिला फिर कभी नहीं मिला ना मैंने उनसे कहा। तो आप उनकी मोहब्बत देखेंगे, वो वहां बैठे हुए और वहां से फोन भी डेविड कर रहा है और ईमेल भी कर रहा है, और वो 2 दफा $500 भी मुझे भेज रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि भाई क्यों आप इतना हीपिंग सो मच फेवर ऑन माय हेड, ना आपको अल्लाह खुश है, कहना है नहीं द वर्क यू डू डू सच ए गुड वर्क खुशी दिली। तो उससे बड़ी मुझे हौसला मिला। फिर कुछ दिन ही गुजरे थे, अब ये चलेगा, फिक्र हुई कि अल्लाह भैया अब कैसे काम चलेगा, अल्लाह मैंने कहा ठहर जाओ गुनाहगार। थोड़ी देर बाद किसी मुझसे कहा कि व्हाई डोंट यू अप्रोच कैलटेक्स, मैंने कहा मैं कैलटेक्स में किसी को जानता ही नहीं। कहना है भाई वहां वो जो जनरल मैनेजर हैं सिद्दीकी साहब, आप उनसे मिले। मैंने भाई कहीं से फोन नंबर लिया, उनको फोन किया कि मैं आप चंद लम्हों के लिए आपसे मिलना चाहता हूँ। वो बड़े स्ट्रिक्ट कॉलर
वो बड़ी कड़क आवाज, मैं तो आवाज से डर गया। कहना एक अच्छा आप भाई फला नहीं, आप इतने बजे आप मेरे पास आ जाए। मैं उनके पास, अब्दुल्ला खान रोड पे कोने में बिल्डिंग है 11 नंबर स्टेट लाइन बिल्डिंग नंबर 11, उनके पास पहुंच गए उन्हें स्टिपुलेटेड टाइम। खैर भाई 5-6 मिनट के बाद उन्होंने मुझे बुला लिया सिद्दीक साहब ने, बड़े स्मार्ट लंबे चौड़े आदमी, उर्दू स्पीकिंग, स्टिफ कॉलर जी फरमाइए। मैं हसान खता हो गया उनकी, मैंने कहा सर ये गलती से रिसाला निकालता हूँ, देखा उसका कई इशू ले गया था। अच्छा ऐसा है एक हफ्ते बाद आप मुझे कांटेक्ट करें, एक हफ्ते बाद। जीएल मैन वो थे उसके चीफ एग्जीक्यूटिव कैंटेक, जनाब सिद्दीकी साहब ने क्या सूर फूका उसके गान में। जब तक जीएल मैन रहा वुड यू बिलीव, चार पांच साल तक हर दफा मुझे बैक कवर का एड मिलता था 15,000 रुपए का, और डायरेक्ट मिलता था, नो एजेंसी इन्वॉल्वमेंट, जो एजेंसी कमीशन काट लेती है ना 50%। और बल्कि मैंने उस दिन तकरीब में कहा कि उसके जाने के बाद हालात ऐसे बदले कि दैट पारसी डैम्सल हु लव इज सो मच लव ऑन खुर्शीद अली व्हेन आई यूज्ड टू लैंड इन दैट ऑफिस ना, उसका रवैया चेंज हो गया ना, इट्स इवन वेरी डिफिकल्ट टू बिकम टू हैव हर ऑन टेलीफोन लाइन ना। वो जो वहां पारसी लड़की थी ना जो वो एडवर्ड रिलीज करती थी कैलटेक्स में, तो जब मैं जाता था जब जीएल मैन था तो उतना मेरे ऊपर मतलब मेहरबान होती थी जिसकी याद नहीं, वो जैसे ही जीएल मैन गया तो वो फौरन बदल गई खातों। खैर भाई जीएल मैन ने बड़ी मुझे सपोर्ट दी। इसके अलावा पाकिस्तान में मैं आई एम वेरी मच इंडेप्टेड टू ये मिर्जा साहब, कामरान मिर्जा इसके हेड थे एबर्ट के, ये उनकी बड़ाई थी। मैंने बोला आई गॉट ऑन टेलीफोन और वो ऑफिस में हुए, कामरान ने कभी फौरन कामरान लाइन पे आदत कैसे हैं आप, तो मैं कहता था खुर्शीद अली और वाइल्ड लाइफ एनवायरमेंट दोनों की सेहत ठीक नहीं है। कहना अच्छा तो वो खत भिजवा दीजिएगा। और 6-7 दिन के बाद वो बच्ची थी मार्केटिंग की, उसका फोन आता था मेरे पास, कह रहे खुश साहब कहाँ भिजवाएं, हम तो खाना बोले हुए ना, कभी इधर भिजवा कभी घर भिजवा कर, और मैंने कहा इस एड में भिजवा दीजिए। तो हमेशा कामरान 15,000 का डायरेक्ट एड जो विद इन मंथ पेमेंट हो जाती थी, कहीं जाने की जरूरत नहीं, बिल भेजा और एक विद इन मंथ उसकी पेमेंट होगी, तो उससे मुझे बड़ा सहारा होता था। अब जब से कामरान बदले तो आज तक वो कोई मुझे एडशर्ट एबर्ट से नहीं मिला। तो इन लोगों ने मेरी अच्छा इसी तरह आईसीएम में लियाकत सिद्दीक मैनेजर थे। जब आप ये रूलाद आलम सुन रहे हैं तो मुझे बताना चाहिए, और मतलब मुझे उन लोगों में इसमें भी मैंने मेंशन किया है। अच्छा लियाकत सिद्दीक वाज मैनेजर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के, लेकिन अथॉरिटी जो रिलीज करने की थी वो जनरल मैनेजर के हाथ में थी, तो लियाकत मेरे लिए फाइट करते थे। ओके आईसीआई बड़ी मुश्किल से एड रिलीज करता, पता नहीं कि आपने बहुत कम आईसीआई का एड देखा होगा कहीं। खैर वो लियाकत की वजह से मुझे आईसीआई का एड मिल जाता। तो ये 2-3 जब परमानेंट एड थे ना तो मुझे फिक्र नहीं होती थी। अच्छा उसके बाद ये मेरी बड़ी हेल्प करते हैं आजकल, ये आगस होम मार्केट के मालिक हैं, इनसे किसी जरिए से मेरे ताल्लुकात हो गए। ये बड़ा मेरा ख्याल रखते, मैं जिस बात को कहता हूँ वो आज तक उन्होंने मना नहीं किया, मैंने जिस बात को कहा, लेकिन मैं ऐसे कहता नहीं किसी, मैं बड़ा देखभाल के खेलता हूँ। ये नहीं कि वो दूसरा रोज आप पहुंच जाएंगे किसी सर पे ये प्रॉब्लम लेके, तो लेकिन ये उनकी बड़ाई है कि जब भी किसी काम मैंने कहा उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया। तो इस तरह ये मामला चल रहा है। अच्छा फिर वो हुआ ये कि हमारे एक अजीज थे हबीब अमरोही साहब, आप उनसे मिलकर खुश हो जाते, वो पिंडी में रहते थे, वो इसमें थे मिलिट्री का जो एजुकेशन ब्रांच है ना, अच्छा वो रिव्यू लिखते थे बुक्स पे, तो उन्होंने फिर मुझे बताया परफॉर्मा भेजा। तो आर्मी में 5-6 साल तक मेरा 60 कॉपियां जाती थी इनकी, जितनी स्टेशन लाइब्रेरी थी ना वह सब जाती थी। इत्तेफाक से एक दो दफा शायद मैंने इमरान खान किसके खिलाफ लिख दिया, ये आर्मी के खिलाफ के भाई ये जो ब्राउन बियर को मारते हैं वहां हेलीकॉप्टर में बैठ के वहां उसमें डेवसाई में। वो एक और जो साहब आए लेफ्टिनेंट जनरल, वो तो नहीं होते साइन उन्हीं के होते थे, वो तो नीचे वाले कोई करते करना वाला, वो नाराज हुए उन्होंने भिजवाए नहीं वो, वरना वो साल शुरू होने से पहले वो भिजवा देते थे कि पैसे ये पहले ही दे देते। मैंने भी ज्यादा उनको फोर्स नहीं किया, इस तरह वहां से खत्म हो गया, वरना वो 11-12 हजार की रकम मुझे आराम से मिल जाती 60। अच्छा उसके अलावा ये था बड़ा वाइड वो था, वो एक दफा ऐसा हुआ नवाज शरीफ का एक सेनेटर है मुशाहिद हुसैन, एक तो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब है वो अलहदा है, एक मुशाहिद हुसैन है इनका सेनेटर हो गया नवाज शरीफ लीग में, उससे मेरी बहुत दोस्ती है मुशाहिद से।
मुशायर पी आई में वो यूनियन का लीडर भी होता था। एक दिन मैं मुशायर के घर बैठा हुआ था, मॉडल कॉलोनी में पहले रहता था, अब तो इस्लामाबाद में रहता था। इतने में एक उसके और दोस्त आ गए, तो लीडरों के पास तो लाइन लगी रहती है ना इस टाइप के लोगों की, वो रिसाला रखा ना, उन्होंने मुझसे कहना है, मुशायर से कहना है, भाई ये कहाँ से आया? कहना यार ये मेरा यार है खुशी दे, यही तो निकालता है। कहना अच्छा, कहना यार बड़ा लोग रिसाला है। मैंने कहा आपने कहा देखा? कहना है कि मैं वहाँ उनके पास गया था सिक्योरिटी डिफेंस के बाद मिलने के लिए, तो आधा एक घंटा जो इंतजार किया ना वहाँ ये रखा हुआ था रिसाला, वहाँ मैंने देखा इसको, क्योंकि वो जो साठ कॉपियां जाती थी उसमें एक उनके पास भी जाता था। वो मुझे बड़ा लॉस हो गया, इसलिए कि वो बड़ा वाइड उससे कवरेज वो था ना, उससे मतलब मेरी अप्रोच ज्यादा बढ़ जाती काफी। अच्छा यहाँ भी दिमाग भी ऐसी पठानों जैसा, मैंने भी ज्यादा उनको लिंक भेजा, मतलब मैं खत लिखता तो शायद वो राजी हो जाते। वो बड़ा लॉस हो गया मुझे, बात उसकी नहीं थी, 12-13 हजार रुपये इकट्ठे मिल जाते, वो भी एक मेरे लिए तो एक असासा था, लेकिन बात ये थी कि काफी बड़े हलके में मैं मुतारिफ हो जाता था। तो इस तरह सर ये दास्तान है, सुन ये आलम जारी है और हम बाज नहीं आते। वो इतना बड़ा बोझ मेरे सर से हटा मैं नहीं बता सर। फिर उसमें अभी 30 हजार वो बच्ची का दाखिला हो गया फार्मेसी में, उन्होंने भाई 30 हजार रुपये चाहिए, मैंने कहा वो भी ला दूंगा। अच्छा ये तो बड़ी परेशानी है कि कहाँ से लाएंगे आप? मैंने भाई ये नन ऑफ योर बिजनेस, ब्रेक दैट मनी, मैं ढाका वाका में नहीं डाल सकता ना किसी छीन सकता हूँ, हाँ हुंडा टैक्स जरूर ले सकता हूँ, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट कौन मुझे दे? वो ला के बच्ची को, बच्ची मुतमिन वगैरह वो, मैंने कहा आप फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारी फीस वक्त पे जमा करा लूँ। अली हसन हबीब नाम है उनका, डायरेक्टर जनरल है WWF के, ये लाहौर में बैठते हैं। एक जमाने में मेरे ख्याल से इस बार 5-6 साल हो गए, पहली दफा उन्होंने मुझे 80,000 रुपीज दिए, 20,000 रुपए करके 4 शुमारों के लिए, वो बड़ा अमाउंट था मेरे लिए। अच्छा उसके बाद यहाँ अली अकबर साहब एक आ गए थे इनकी जगह रब नवाज से पहले, वो भी मेरा बड़ा ख्याल रखते थे, किसी ना किसी बहाने ना कुछ करते रहते थे। मैंने कहा यार आज तो किराए के पैसे नहीं है यार, क्या हुआ है, बिजली या बिल कैसे दिया जाएगा? ऐसा यूं नहीं है, वैसे तो मतलब जो मेरे दोस्त हैं जैसे वो खालिद रहमान है, कभी मुझे प्रॉब्लम कुछ होती है मैं खालिद से, खालिद आज के अमरीका गए में, तो दे ऑल कम टू माई रेस्क्यू, अल्लाह का लोग खुद हैरान होते। मैंने कहा यार वो ये काम पागल लोग करते हैं, मैं आम लोगों से मुख्तलिफ हूँ, पागल हूँ मैं। अच्छा बहुत लोग हैरान होते कि मैं जिंदा कैसे हूँ, अब उनको मैं क्या बताऊँ, मैं क्या तरकीबें चलता हूँ क्या क्या। अली सर मुझे भी जिंदा रहना ना, आप यकीन करें पिछले एक 1.5 साल में प्राइसेज जो है चीजों की, जो कंज्यूमर आइटम 30% बढ़ गई, जो सामान 6 हजार में आता था वो 10 हजार में आता है। अब जाहिर उसको तो नहीं रोक सकता, मैं बच्चों से कहता जब भी इनको जो जरूरत होती, मैंने कहा भाई देखो आज मेरे पास नहीं, मैं तुम्हें कल परसों ला लूंगा, मना नहीं करता मैंने जब भी कहूँ, लेकिन फिर वो घर में कहाँ से लाया? मैंने कहा इसे नन ऑफ योर बिजनेस, मैं कहाँ से लाया भाई? आपको पैसे चाहिए, चीज चाहिए, वो हाजिर है, कहाँ से लाया ये इतने सवाल ना करें मुझसे, हर बात मैं नहीं बताता। अब ये होगा तो कैसे होगा? मैंने वो हमारा परेशान नहीं होता, मैंने कहा वो रब बैठा हुआ मेरा, मैं नहीं परेशान होता भाई, कायनात तो रब है, नेक होगा तो गुनाहगार होगा भी तो रब ही अल्लाह ही है ना। मैंने कहा वही तमाम मसले। अच्छा मैं इसमें बढ़ाई में ही आपसे बात नहीं कह रहा, मैं लाला से अल्लाह ने मुझे मुबारक फरमाया, यकीन करें मुझे नहीं, और ना इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स है कि पैदल जा रहे हैं बसों में जा रहे हैं, मुझे कभी कोई इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता किसी से उसमें, ये बड़ा अल्लाह का करम है, मतलब मैं कभी आई शुड हैव डाइड, ना इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स होता ना ये कि मेरे पास गाड़ी नहीं, मैं लोगों से कह रहा हूँ, मैंने कहा यार मैं खुश। एक दिन बड़े मजे की आपको बात बताऊं, मैं बैठा हुआ था सिविक सेंटर में, मास ट्रांसिट डिपार्टमेंट था, जो लोकल इंचार्ज होते उनसे मेरी बहुत दोस्ती थी, वो भी कनाडा चले गए, कमाल साहब जो कैनेडियन जो था ना इंचार्ज, वो जो दो चार दफा कमाल साहब रहे वो भी ही बिकेम फ्रेंडली विद मी। एक दिन तो ऐसा हुआ मैं जैमुन स्ट्रीट पे एक साइड में खड़ा होता, वो दूसरी तरफ वो कहीं सोलर ले, दूर से लेके भागते आया, तो मैंने कहा भाई यहाँ ऐसे मत भागे, खुदा खासा कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई मार मूर दे आप। मैं एक दिन कमाल साहब बैठा था,
उस दिन मैं बाल कटवा के गया था, बाल बहुत बड़े बड़े होते, वो पीछे से पहचाने नहीं, तो दरवाजा जो खोला उन्हें कमाल साहब कुछ कहने लगे, तो मेरी पीठ थी, तो जब बात खत्म हुई कमाल साहब ने कहा भाई खुशी सिटिंग जस्ट बिसाइड मी, ओ वो अंदर आ गया, कमाल साहब ने कहा यार हेड खुशी अली बीन इन कैनेडा तो मतलब ही वुड हैव मिंटेड अ लॉट ऑफ मनी। अब उनका जवाब, उसका जवाब सुनिए आप, वो कुर्सी पे हाथ रखे हुए मैं बैठा हूं, एक लम्हे को चुप हो गया, फिर आफ्टर ए पॉज उसने कहा पर खुशी अली इज ए हैप्पी मैन, मतलब ये लाखों रुपए वो रोग आ रहे हैं तो यार ये कोई जिंदगी है क्या? ये जुमला उसने कहा मुझे इतनी खुशी हुई, बड़ खुशी अली इज ए हैप्पी मैन, उन्हें लिखना पढ़ना आना चाहिए। अच्छा मैं मोहल्ले में मैंने कई दफा क्या है, मैं 50-60 रुपए की मैंने 3-4 पेंसिलें खरीदी, 2-3 रबर दो खरीदी, एक शॉर्पनर खरीदा, एक कोई बिस्कुट का बैग दो खरीदे, और एक वो टॉर्च नहीं आती जब 10-20 रुपए वाली जो चाइनीज टॉर्च है नहीं बच्चों की छोटी छोटी वो रखी, उसमें एक 50-60 रुपए सामान लिया और बच्चों को घर में पहुंचा दिया, बहुत मुख्तलिफ बच्चों, और बच्चे इतना खुश होते हैं उससे पेंसिल रबड़ देख के, हर मुमकिन खुशी होती है कि वो घर में कहते हैं आप किसी होता आप फौरन माफी मांग लेते हैं। मैंने कहा भाई आप क्या नहीं मैं झगड़ा करूं लोगों से, ये मैं नहीं कर सकता, जहां मोहल्ले में रहता हूं ठीक है, मैं पहले शख्स होता हूं मेरी गलती है, नहीं भी होती मैं चाहता हूं मामले को सुलझाया जाए, ये नहीं मैं किसी से डर रहा हूं, मैं डरता वरता नहीं हूं किसी से। एक तो ये WWF निकालता है लेकिन मैंने काफी दिन से उसको देखा नहीं, अरे उनके पास तो स्टाफ है एडिटर रखा हुआ है, पैसों की कमी नहीं उनके पास। अच्छा इनका ये भी निकालते थे पहले IUCN, पहले तो अंग्रेजी के नाम से निकालते थे, वो बंद हो गया उनका, फिर वो जदीदा है वो बीच में बंद हो गया, अब दोबारा उन्होंने शुरू किया है जदीदा के नाम से। दूसरे मेरे जान पहचान वो साहब थे वो काम करते थे, वो छोड़ के शायद इस्लामाबाद चले गए, तो बीच में बंद हो गया, अब दोबारा मैंने सुना उसका हिजरा हो गया। अली मैं एक साहब को टच करना भूल गया, तस्कर करना वो जरूरी था, उनका नाम का डॉक्टर MH रिज़वी आई सर्जन कीर्तन, हालांकि मेरे वाइल्ड लाइफ में इतनी दोस्ती है, उन्होंने कल चलेंगे परसों चलेंगे, मैं उनके साथ आज तक नहीं जा सका, ये रिज़वी साहब थे जो BCO रफा मुझे कीर्तन ले गए, और रात में हम रहते थे सुबह सुबह जाके हम देखते थे कैसे आईपैक्स पानी पीने आता है, तो ये सब रिज़वी साहब की वजह से क्या, ही वॉज ए ग्रेट गन, लोग पता नहीं क्या क्या उन पर इल्ज़ाम लगा देते हैं, एक दफा ऐसा हुआ किसी ने उन पर अगवा का इल्ज़ाम लगा दिया, जिया साहब का रोल था उनको पकड़ लिया गया, उसी ने उनको ख़त्म कर दिया। उस जमाने में मैं उनको जानता भी नहीं था, लोगों ने मुझसे कहा, मैंने कहा बात सुनो, मैंने कहा यार अल्लाह ने अक्ल व शऊर भी कोई चीज़ दी है इंसान को सोचने समझने, मैंने कहा डॉक्टर रिज़वी इतने मशहूर आदमी है, आई सर्जन है इस मुल्क के मशहूर तरीन, उनके बाप पुलिस सर्जन थे, और मुझे पता है कि हबीब बैंक वाले जो असली हबीब बैंक वाले उनसे उनके कितने ताल्लुकात थे, मैंने कहा वो किसी को अगवा करके 4 लाख रुपए उनसे लेंगे, मैंने कहा अभी फोन कर देना हबीब बैंक वाले 10 लाख दे देंगे उनको फौरन, इतने उनका से है। मैंने कहा मैंने कहा भाई मेरी अकल इस बात को मानने से इनकार कर दी। थोड़े दिन बाद दूध का दूध पानी का पानी, हाईकोर्ट से बाइज्जत बरी हो गए। वो हुआ ये था क्योंकि कीर्तन जाते हैं रिज़वी साहब 58-59 से, मैंने मुझे साहब दिल वाला आदमी बहादुर आदमी हौसलामंद आदमी नहीं देखा, पहले वो दुनिया में जितने शिकारी हैं वो बाद में कंजर्वेशनिस्ट हो गए, डॉक्टर साहब भी कंजर्वेशनिस्ट हो गए, कीर्तन को इतना मशहूर किया, तो मैं बाद में मिले उनसे ताल्लुकात भी हो गए, बड़ा लव करते थे, मैंने इतना बहादुर आदमी अपनी जिंदगी में नहीं देखा और इतना मोहब्बत करने वाले जैसे डॉक्टर MH रिज़वी थे। डेथ हो गई उनकी, अच्छा हाँ नेचुरल डेथ होगी, तो अच्छा अब आप उनका कंट्रीब्यूशन देखिए, उन्होंने कीर्तन में अस्पताल बनवाया और मेरे ख्याल से कुछ 100-200 ऑपरेशन कर डाले मुख्तलिफ अवकात में लोगों की, और वहाँ गरीब इतने रहते हैं उनके पाँव में चप्पल तक नहीं है, मैं तो बहुत ज्यादा था ना उनके साथ, इतनी गुर्बत है जिसके कीर्तन, यहाँ से आप जाएंगे ना सुबह हाईवे पे तो आपने देखा वो राइट हैंड पे दादा भाई सीमेंट फैक्ट्री आती है, सुबह हाईवे आप गाड़ी से तो गए होंगे ना, तो दादा भाई के सामने उल्टे हाथ पे को 80-100 किलोमीटर अंदर जाके उसकी उदूर शुरू होती है, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है।
आईपैक्स वहाँ अभी भी हैं, आईपैक्स तो हैं काफी, उसको जो लोग शिकार तो नहीं करते नहीं, बहुत कम होता है ये असद जो है ना, ये उसको बचा के भी रखता है, ये इसका पॉजिटिव पहलू है। ये खुद मरवा देता है एक दो, लेकिन इसने हिफाजत भी की है क्योंकि अपनी जागीर समझते हैं उसको, ये चलो कुछ भी समझ रहे हो लेकिन ये उसका ये पॉजिटिव पहलू है। बहुत ही ये साहब जो है ना उसमें तकब्बुर में भरे हुए हैं, मैं तो इनको पसंद नहीं करता, लेकिन ये पहलू अच्छा है उसका कि इसने आईपैक्स को बचाया हुआ है। अच्छा, अभी पिछले दिन गवर्नमेंट से इन्होंने काफी बहुत से करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं उसके लिए, तो उन्होंने उस पानी पीने की जगह पहाड़ों पर बनाई है जानवरों के लिए, खासतौर पर आईपैक्स के लिए, और नीचे दो डैम बना दिए ताकि उसके सीपेज से ना कुछ दरख भी उग जाए, कुछ थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाए, पानी पीने के लिए मिल जाए जानवरों को। तो ये गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया। अब मतलब ये गवर्नमेंट तो पैसे मुख्तस कर देती है, अब अहलकार उसमें खाने लगे तो इसमें तो भाई किसी का कोई इलाज नहीं। ऐसा है कि वो खुबार बस्तर यहाँ आता है और यहाँ खारान वगैरह जो बलोस्तान में जाए वहाँ ब्रीड भी करता है तो ये बाहर से उड़ के आता है। अच्छा, ये अरबों को परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट दे देती है उसको मारने के लिए। अभी जब मैं गया था तो वहां उनका कैंप लगा हुआ था, ये कोस्टल हाईवे में गया तो वो तो मुझसे वो कहने लगे, साथ में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी थे, वो कहने रात में ये ऐसा चमकता है जैसे कोई पूरा शहर आबाद हो गया हो, इस वक्त तो आपको दूर से कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा। गाय कम है, होता ही है। सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि ये जो डेजर्ट का इलाका है ना हमारा, इसमें ब्लैक बग, ये हिरन वगैरह जो होते हैं इनको छोटी छोटी घास वास ये इस टाइप की उस पर ज्यादा ये होते हैं। तो ये हमारे जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है और ये थे ना ये रेंजर वेंजर, ये काफी मारपीट के खा गए उसको। अच्छा, साथ में इंडिया का इलाका रहता है, वो मजा ले कोई बॉर्डर इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसी जानवर को मार दे। अभी आपको पता होगा कि अभी एक साल ही हुआ है, डेढ़ साल, वो सलमान खान साहब ने मार दिए थे दो ब्लैक बग, जान मुसीबत में आ गई उनकी, पांच दिन उनका हवालात में रहना पड़ा। वो तो इतना लोगों ने शोर किया वो किया, तो जब उनकी जान छूटी कुछ पता नहीं उस फाइन भी हुआ होगा, थोड़ी माफी वाफी मांग के उनकी जान छूटी। हमारे मुल्क में क्योंकि कानून का इतलाक नहीं है, हम अपनी बड़ाई साबिर करते हैं, जितना हम कानून ठीक नहीं कर सके उतने हम बड़े आदमी हैं, ये बड़ी मुसीबत हमारे मुल्क में। मतलब सिंध में इतनी वाइल्ड लाइफ थी जिसकी अदनी, अब ब्लैक बग जो है इतना खूबसूरत जानवर होता है, इधर ये खोलेंगे वाला सफा, ये वाला नया वाला मैगजीन या पुराना वाला, हाँ इसमें भी है। अच्छा, आखिरी सफा देखें, ये हाँ है खूबसूरत, नहीं बहुत खूबसूरत है। और जब ये जंगल में होता है तो और बड़ा खूबसूरत लगता है। एक बार और बताऊं, आप तो कभी गए नहीं शाम के वक्त सिंध की इस सरजमीन शहर है, कोई माने ना माने, ये फैक्ट बता रहा हूं आपको, इसकी नहरों पे आप चले जाए शाम को, आपको ऐसा लगे जादू कर रहे किसी आपके ऊपर, उसकी मौसीकी सुन ले तो आप पागल हो जाए। अच्छा हाँ, अब मैं रिजवी साहब के अलावा मैं चंद उन लोगों का जिक्र आपके सामने करूंगा जो जिनका ताल्लुक जो सीएसएस क्लास से है, उन जिन्होंने मेरी मदद की। इसमें सबसे पहले जो जिस शख्स का नाम आता है वो आज के फेडरल शरीयत कोर्ट के जज हैं, उनका नाम है शहजाद शेख। मेरा कहना है कि इस मुल्क में बहुत कम लोग उनके मुकाबला कर सकते हैं उनका, उनके टैलेंट का। वो अगर वो इसके अकाउंट सर्विस के आदमी नहीं होते तो कभी की चीफ सेक्रेटरी लगे होते हैं। मुझे आज भी याद है एक दिन गुल मोहम्मद ने मुझसे कहा, वो मैं जी एम मेमन ही उनका नाम है, गुलमोहम्मद कहते हो शर्माते हैं, मैं उनको कह देता हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस में अच्छे होते पे फाइज हैं, बड़े होते पे फाइज हैं। ये पहले पहले एनआईओ में नहीं, क्या कोई काम था मुझसे कहना यार शहजाद शेख साहब काम हो, मैंने चलो वो शहजाद साहब कहीं मीटिंग में गए हुए थे और मीटिंग वहीं सेक्रेटरीट में हो रहे थे, मैं बैठा था पीए के पास। अब यकीन करें जैसे पीए वहां बैठे हैं उसको, हम यहाँ बैठे हैं, वो इत्तेफाक से मीटिंग खत्म हो गई, कोई पीए को कुछ बात कहने आ गए खुद। उन्होंने जो मुझे देखा तो आहिस्ता गुलों ने मुझसे कहा यार शेख साहब आ रहे हैं, उन्होंने वो पीए से पास आ रहे हैं, मैंने कहा बैठे रहो खामोशी, उन्होंने कहीं देख लिया मुझे, बस वहां से आया वो मेरा हाथ पकड़ा और कब से बैठे हैं आप, मैं तो मीटिंग में, मैंने कहा मुझे पता आप मीटिंग में थे, वो फिर चले आप मेरे साथ, हमारे दो और सरकारी अफसर बैठे हुए थे। अब मैंने उनसे कहा
अब मैं जब मैं दूसरों के लिए कुछ कह रहा होता हूँ ना, मैं अपने लिए मुझे बड़ी शर्म आती है, दूसरों के लिए कहता हूँ ना, मैं इतनी जोर से कहता हूँ, मैंने कहा शेख साहब मेरा काम हो जाना, मेरे भाई जिए मेमर का काम होना है। अच्छा बोलते बोला हाँ हाँ वही होगा। मैंने कहा आप बताइए मेमर साहब, बताइए आप क्या काम। और वो दो सरकारी अफसर बैठे, वो बड़ी खचमगी निगाहों से देख रहे कौन बदतमीज आदमी है कि इतने सीनियर अफसर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डेवलपमेंट से इस तरह बात कर रहा है। फिर मुझसे कहना अब बाबू बताए क्या प्रॉब्लम। मैंने कहा मैं लेना में बताऊंगा। कहना आइए। फिर वो इतनी दूर मेरे साथ चले गए, वहां मैंने उनको वो बात बताई। फिर उन्होंने मुझे घूर के देखा, इतनी मोहब्बत करते थे मुझसे। और गुलमोहन ने मुझे फोन किया, कहले यार भांजा मेरे साथ इस्लामाबाद आ गया, उस पर जॉब नहीं है, आप शेख साहब सेक्रेटरी लगे थे सर वीमेंस डिवीजन के। मैंने शेख साहब फोन किया, शेख साहब ने जो भी पोस्ट खाली थी उस पर उसको रख लिया। तो वो गुलमोहन कहले यार अम्मा इतनी दुआएं देती, मैंने दुआओं के सहारे तो खुशी रैली चल रहा है, मैंने कभी का ढेर हो चुका होता। इसके अलावा एक शम्स मेहमान साहब थे, शम्स मेहमान साहब भी सेक्रेटरी हैं फॉरेस्ट, वो तो आज भी अभी एक सेमिनार में मिल गए थे, WWF ने कराया था प्रोग्राम, उन्होंने एक मुझे शील्ड भी दी, औरों को भी दी, मुझे भी दे दी। वहां आए थे तो नाराज हो गए, कहने साल भर हो गया और मैंने आपको नहीं देखा और आपने आना ही छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं मैं बड़ी माजरा चाहता हूँ, मैं प्रॉब्लम फंस मैं आऊंगा आपके पास। शम्स मेहमान ने मेरी बड़ी हेल्प की। उसके बाद महबूब आलम अंसारी आ गए। अच्छा वो है भी महबूब की ना, यहाँ खड़े हो तो आप समझे कोई अंग्रेज खड़ा हो, इतने खूबसूरत है। और खुर्शीद भाई कहते हुए मतलब उनकी जुबान सूखती, इतनी मोहब्बत करते हैं, एकदम आवाज सुबह मार्केट में मिल गए। अच्छा बड़े सूटेड बूटेड रहते हैं, मुझे पसीना बह रहा है, वो कुछ सौदा लेने आ गए, मुझे भी देख लिया, आके चिपट गया। मैंने कहा आपका सूट खराब हो जाएगा। कह रहे यार छोड़े सूट वूट को, हमारा भाई मिला है, इतनी मोहब्बत करते हैं। इन्होंने मेरी बड़ी बड़ा मुझे घुमाया फिराया सिंध में, और मैं कितने लोगों को ले गया अपने साथ ठट्टा में बात बड़ी जबरदस्त जगह है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बड़े बड़े कताई आराधे पे ये पाम और वो लगाया हुआ है, ये नारियल बड़े बड़े कताई, कुछ 150-150 एकड़ पे, 200-200 एकड़ पे, मतलब आपकी तबीयत कुछ हो जाए उसको देख के ऐसे ऐसे फॉर्म बनाए हुए जबरदस्त। बाल लोग समझते हैं ना कि वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लोग कुछ नहीं करते, लेकिन चंद सरफिरे भी होते हैं। उसमें एक रियाज वगन है जिसको आज मैंने फोन किया था, आप मिलेंगे तबीयत खुश है, बड़े यंग चैप है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बड़ा काम करने की लगन है रियाज में। तो रियाज इज वन ऑफ दोज जिस। अच्छा इसके अलावा ये भगत साहब हैं, आजकल इंचार्ज हैं कीर्तन, भगत ने मेरी बड़ी हेल्प की। भगत पहले कंजर्वेटर भी थे फॉरेस्ट के, उससे पहले ये क्या नाम है इसमें, ये सक्कर में थे वो डिप्टी कंजर्वेटर। तो 20 दफा मैं गया हूँ, मैं कई कई दिन रहता था इनके रेस्ट हाउस है उसमें। फिर इसने काफी घुमाया, 2 दफा इन्होंने मुझे मीर ऑफ खैरपुर से मिलाया, मीर करम अली खान थालपुर से, बहुत नफीस इंसान है। तो उनका बहुत बड़ा उनका फॉर्म है जिसमें उन्होंने ब्लैक बाग रखे हुए हैं, कोई महा से 300-400 तो ब्लैक बाग है उनके पास। मेहरानों किसी आएंगे तो उनसे इजाजत लेके आपको ले चलेंगे मेहरानों में, खैरपुर में है। और बड़े बादशरा आदमी है ऐसे तशी, लेकिन बड़ी दाढ़ी वाड़ी रखी हुई माशाला, नमाजी परहेजगार, कोई फूफा नहीं है। और वो किला जिसको हम पढ़ते थे ना वो किताबों में, वो पहाड़ी में बना हुआ जहाँ पहले लड़ाइयाँ तालपुर और ब्रिटिश के दौर में होती थी किस किस से, उस किले में घर गए तो वो दरवाजे देख के, जो मुलाकी दरवाजे और वो जिन प्लेटों में ये नवाए शाम की चीजें रखी गई, तो देख के हैरान हो जैसे बादशाह घर में आ गए। लेकिन उनमें बड़े सादा आदमी है वो मीर करम अली खान तालपुर। तो भगत ने 2 दफा उनसे मुझे मिलाया, मुझे मेहरानों में ले गए, मैं लोगों को ले गया वहाँ, वो इतने खुश हुए जिसकी हद नहीं। हमारे उस्ताद थे एफ ए अनवरी, वो कह रहे यार मैं थक तो गया हूँ लेकिन जिंदगी का लुत्फ आ गया यहाँ आके। मैंने कहा सब ये भगत साहब की वो है मेहरबानी। फिर ये डॉल्फिन कभी कभी पानी के जोर से ना सब उसमें चली जाती है नदी नालों में, तो फिर इसका रेस्क्यू ऑपरेशन होता है। तो उसमें उसने कितनी दफा मुझे बुलाया, मैं 2-3 दिन जाके वहां रहता था, खूब खाती होती है। और वहाँ लंग लैक है बहुत बड़ी, वो भुटो ने वहाँ बहुत जबरदस्त वो बनवाया था रेस्ट हाउस जिसमें फॉरनर्स आके ठहरते थे। वो है तो छोटी थी लेकिन बर्ड्स बहुत आती हैं। तो मुझे इतनी खुशी हुई, अनवरी साहब इतने खुश हुए। तो मैंने कहा यार चलो खुशी नहीं, कोई तो अच्छा काम किया, मुझे बहुत लाइक कर रहा है। पिछले दिनों ही गेम में 20,000 रुपये जावेद जब्बार ने,
अच्छा, इससे पहले जो मैंने इशू निकाला वो कहना है मैंने 6000 खत लिखा है कि खुशी साहब को ऐड दिया जाए, तो एक ने वो ये सिल्क बैंक ने मुझे ऐड दिया, तो हंसने लगे, कहना यार देखो कितना मुश्किल काम है, मैंने 6 को लिखा, एक से चलो एक ही से मिला। मैंने कहा वो एक मेरे लिए बहुत काफी है, मेरे लिए बड़ी बात है कि आपने आपने इतना उनको लिखा। उसकी एक शख्सियत है ना, जाहिर है उसका एक नाम है। इसने थर में काफी काम किया, स्कूलों में स्कूल बनाए, तो उसने बेसिक हेल्थ सेंटर ये वो काफी कायम करा दिए वहाँ। मैं तो हमेशा उसका फैन हूँ, माशाल्लाह बोलते भी खूब हैं, अल्लाह ने बड़े उससे टैलेंट से नवाजा है उनको, और मैं कभी भी फोन करता हूँ तो फौरन उठा लेते हैं जब होते हैं। अब 300 रुपये यूँ खर्च हो जाते हैं, चाय पी ली, खाना खा ली। कल मैंने दाल खाई एक होटल में, बल्कि हाई कोर्ट में खाई मैंने दाल। मैं गया सेक्रेटरीट में, एक साहब से मिलने, पता चला वो बलोचिस्तान गए, आज फोन पे बात हुई। हाँ, एक साहब का और नाम रह गया, उनका नाम इसाक लाशारी, उन्होंने भी बड़ी मेहनत की और अभी भी करते हैं। ये भी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डेवलपमेंट रह चुके हैं, आजकल वहाँ से हटा दिए, दूसरी जगह गए, बलोचिस्तान गए हैं। जब मैंने बताया मैं भी अभी वहाँ गया था, हिंगोल तो कहना हिजलास्ट क्यों नहीं गए, मैंने कहा वहीं तक जाना था, कहना वो अब मैं ले चलूँगा आपको। अच्छा, तो इस हक की क्या बात कि सुनवान से आई कि वो जहन से निकल गई। तो इसाक साहब ने भी मेरी काफ़ी हेल्प की। मैं तो कोई चीज़ यही कि थोड़ा सा किसी सहारा मिल जाए तो मैं इसको फैला दूँ, स्कूलों में इधर उधर बच्चों से लिखवाऊँ, ये करूँ वो करूँ। इरादे तो बहुत हैं, इरादा बांधता हूँ तोड़ देता हूँ, है ना किसी, वो क्या करूँ, वसाई तो मजबूर नहीं, हिम्मत हारने वाला नहीं, ये आप याद रखिए। यार मैंने आई एम ए स्पॉइल्ड चाइल्ड, मैं मतलब मैंने सबको मायूस किया बहुत, मैंने सबको मायूस किया। मैं फोर्ट रोड्स में आर्टिकलशिप कर रहा था, इंटर में फेल हो गया, पढ़ा ही नहीं था, तो दूसरी कंपनी के जो लोग थे ना बैठे वो बड़े हैरान हो गए, खुर्शीद अली कैसे फेल हो गए। खुर्शीद अली को फेल होना तो पढ़ा ही नहीं था। मैंने को 2.5 साल मतलब 2.25 साल उनके यहाँ आर्टिकलशिप की मैंने। इतफाक से बुखारी साहब वो फोर्ट रोड्स के वो थे हेड, और एक पटाखिया थे उस जमाने में हमारी जान पहचान, वो इंग्लैंड से आई, वॉज एन FCA, पहले घर के सामने ही रहते थे 16 में। तो वो हम मामू माओ कहते, बहुत मोहब्बत करते हैं मोहम्मद साहब, उन्होंने कहा कि मैं दोबारा इसको रिवाइव करा देता हूँ तुम्हारी आर्टिकलशिप जो है ना। और मैंने वो इतनी बड़ी ब्लंडर की जिसके अंदर वो रिवाइव हो जाती, मैं इम्तहान कभी भी दे सकता था। बस जनाब वो उस जमाने में यार घूमने फिरने ये शायरी ये वो पता नहीं क्या क्या शौक इसने मतलब वो कर दिया। उसकी वजह से मैं अपने पूरे खानदान को मैंने बड़ा वो मायूस किया। वो मैं समझता था पता नहीं ये क्या कर देंगे, और कुछ भी नहीं किया। एक ही बहन है, हम लोग अमरोहा के रहने वाले हैं, एक गांव के हम लोग, भाई बॉर्न इन दिल्ली, बहुत शुरू में आ गए थे हम, जहाँ हम रहते थे ना सोलावर में हम रहते थे, 57 से हम वहाँ रहते हैं, 56 या 57। जब मैं मैट्रिक में आया तो वो वहां से ये जो था ना अपना मेमन कोट ज्यादा दूर नहीं है, कुछ 3-4 मील था ज्यादा, तो एक आने की साइकिल मिलती थी नन्हे खान साहब के, एक आने घंटा। तो मैं साइकिल पे बैठ के खोखरा पार से नदी क्रॉस करके मेमन कोट पहुंच जाता, घंटों में वहां बैठता था, इतनी मोटी धार से तो पानी आ रहा होता था, और बर्ड्स उड़ रही है, इतनी हरियाली थी, मतलब मैं आज भी लोगों को कहता हूँ जरूर पीस ऑफ हेवन ऑन दिस प्लेनेट मलिर, इतनी खूबसूरत जगह थी। और पानी को आपको पता है वो डॉक्टर जो टीबी भी हो जाती उनसे कहते थे हम मलिर में जाके रहे, और कायद आजम ने काफी बड़े जमीन मख्तस कराई थी कि वो और जो मुस्लिम के आगा भी यहाँ रहेंगे वो तो उनकी जिंदगी ने वफा नहीं की। तो उससे मुझे नेचर से बहुत मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसमें हौज होती थी, ट्यूबवेल का पानी आ रहा है, उसमें पाँव डाले बैठे हैं, बर्ड्स को देख रहे हैं, कोई अपना क्यारी लगा रहा है, कोई सब्जी तोड़ रहा है, कुछ कर रहा है, ऊंचे ऊंचे दरख्त लगे आम के इसके उसके, और इतनी ट्रैंक्विलिटी होती है इस माहौल में कि मैं मतलब आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स पर के बता सकता है, खुशी नहीं बयान कर सकता। अच्छा, उसके अलावा जो हमारा घर था उससे मिलिट्री डेयरी फार्म बहुत करीब था। जब मैं वहां जाना मेरा बंद हो गया
इतना मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैं यहाँ डेयरी फार्म जाता था, तो करीब की आबादी नहीं, कुछ लोग सुबह होता नहीं शेर बहुत स्थिति खेलने पता नहीं ये यहाँ क्या कहते हैं, ये काम उसे कहना है कि वहां कहना है वो वहां क्या करने जाते हैं। मैं देखा उन्हें बहुत, मैंने कहा जाना वैसा है कि दरख मुझसे बातें करते वो चुप हो, वो समझते हैं मैंने किसी औरत और किसी लड़की को देखने जाता हूँ क्या देखने जाता हूँ। तो वहां भी वो जो लोग काम करते थे ना, अगर मैं नहीं जाता 2-4 दिन तो वो पूछते थे आके क्या आप आए नहीं, और मुझे लगता था कि आते ही दरख जो है खुश हो गए मेरे आने से। अच्छा वो ब्रिटिश के दौर के दरख लगे हुए, क्योंकि वो डेयरी फार्म था ना, बाकी ये अपना वो लगाते थे उसके फॉर्डर वगैरह उसकी गाय भैंसों के लिए। और उन्होंने एकदम ऑस्ट्रेलिया से वो मुझे क्रॉस कराया ना ऑस्ट्रेलिया, उसके तो उसके जो बच्चे पैदा होते ना इतनी दूर खड़ा होता, आप समझे हिरन खड़ा है, इतने खूबसूरत उसके बच्चे होते थे उन गायों के, जो ऑस्ट्रेलियन गाय को उन्होंने क्रॉस करवाया। वहां भी मैं घंटों रहता था, मुझे इतने कतब आते हैं दरख्तों पे कि आप हैरान हो जाएंगे, भूख लगती थी। मुझे याद है कि सुबह सुबह जब मैं जाता था, जब मैं फोर डोर्स में रहता तो किसी कंपनी ऑडिट करने जाता हूँ, तो वाला रात में वो चने नहीं होते काले चने, ये मुझे हमेशा अच्छे लगे, रात में भिगो देते थे और सुबह उनको थोड़ा सा उबाल दिया गया कि काफी, तो वो मैं खाता था उसके बाद एक दो पराठे अंडे के साथ, इतनी भूख लगती थी कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। वो ऑक्सीजन जाती है ना, फिर पूरा तमाम जिसम का खून रवा हो जाता है, हर जगह हर चीज अपने परफेक्ट काम कर रही होती है, तो दौड़ने भागने हमेशा मुझे शौक था, क्रिकेट बहुत खेली। पर यह है जिंदगी, कभी कभी सोचता हूँ कि स्पॉइल कर दिया अपने आप को, फिर ये ख्याल आता है चलो यार चलो स्पॉइल के ये दो लफ्ज अच्छे बता देता हूँ लोगों को, इस तरह बैलेंस करता हूँ। अब बच्चों को ये है कि वो क्या हमने कोई बंगला उनके लिए नहीं बना सके, कोई गाड़ी उनको नहीं दिला, मैंने कहा यार आप कर लेना, तुम पढ़ा दिया है